सेक थीटा गिवन है, सेक थीटा फाइंड करना। कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, साइन आ गया। साइन से कॉस निकाल सकते हो, आइडेंटिटी से। देखो एक तो ट्रायंगल वाला मेथड तो है ही है, ये तो वो कर सकते हो, अदरवाइज वैसे भी हो जाता है। कॉसेक का रेसिप्रोकल जो होता है वो साइन होता है, दैट इज 1/√10। अब आपको आइडेंटिटी पता है, cos theta is equal to √1 minus sin square theta। sin theta यहाँ पर करो, sin theta क्या है 1/√10, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/10 आ जाएगा, माइनस करके क्या आएगा, ये आ गया, ये क्या आ गया 3/√10। ये क्या है cos, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, क्या आ गया √10/2। ट्रायंगल से भी कर सकते हो, ट्रायंगल से साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज हो गया √10। के में लेके चलना, रेशियो है ना, के में लेके चलो, √10 के आ गया हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया 1 के, बेस निकाल लो, ठीक है, वहां से वैल्यू निकाल लो। वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट करो, आप में से कोई यहाँ पे आके ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बता सकता है, सारी 6 रेशियोस के नेम और उनका रिलेशन कैसे आता है, परपेंडिकुलर बेस हाइट वगैरह, कौन बताएगा? ये कौन बोल रहे हैं? ये बोला था ना तुम, एक मिनट, आपने बोला ड्राइंग नहीं करानी, ये बोला ना, इधर इधर इतनी कहाँ, यहाँ हो सेंटर में, बताना है ट्रायंगल में, एक्सप्लेन करना ट्रायंगल बना के ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट बताना है, ट्रायंगल बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल, पहली बार ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है, और जो रिलेशंस होते हैं परपेंडिकुलर बेस और हाइट के वो एक्यूट एंगल के लिए होते हैं, 90 के लिए नहीं होते। आप समझ आई, ट्रायंगल राइट एंगल जरूर होता है, लेकिन अगर एक एंगल राइट एंगल है तो रिमेनिंग दो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का रिलेशन बताते हैं, जैसे सी एक्यूट है तो सी के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड है वो हो गया बेस, और वो तो है ही हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, ठीक है। तो सब कुछ एक्यूट एंगल के लिए फाइंड करते हो, और यहाँ पर एक्यूट एंगल ए और सी है तो उसके लिए रिलेशन फाइंड करते हो। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री आपको क्या बताती है, एक्यूट एंगल का रिलेशन बताती है विद द साइड। बात समझ आई, हो सकता है डेफिनेशन ही आ जाए, डेफिनेशन लिखी उसमें से बताना और ट्रिग्नोमेट्री का क्या मीनिंग है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक्यूट एंगल्स का रिलेशन बताती है विद द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए एंगल है तो एंगल ए एक्यूट है, उसका रिलेशन परपेंडिकुलर बेस और हाइट के साथ। ऐसी सी एक्यूट है तो सी के साथ परपेंडिकुलर बेस और हाइट के साथ रिलेशन बताती है। बोलना नहीं आता,
समझा रहा हूँ। ये देखो इधर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 90 है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। एंगल ए की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज को फिक्स ही है और ये आ गया बेस, ठीक है। अगर हम एंगल ए की बात करते हैं तो एंगल ए की सामने वाली साइड आपने सारी मेंशन कर दी। अब आपके पास फॉर्मूला है, इसने लिखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस क्या है साइन, सी क्या है कॉस, टी क्या है तो साइन की वैल्यू हो गई पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। इधर देखो अगर साइन पी बाय एच है तो कॉसेक क्या होगा, एच बाय पी। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, अगर कॉस बी बाय एच है तो सेक क्या होगा, एच बाय पी। टैन का रेसिप्रोकल कॉट, ठीक है, तो टैन अगर पी बाय बी है तो कॉट बी बाय पी, ठीक है। अब ये यूज कर रही है, इसे सारा कुछ लिख दिया। अब यहाँ पर बस मेन ये है, देखो इधर है तो ये भी साइन और ये भी साइन, लेकिन डिफरेंस क्यों है, क्योंकि एक्यूट एंगल चेंज हो गए। जब आप ए लोगे तो ए की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, सी जब लोगे सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने चलना। फॉर्मूला वही है लेकिन जब एक्यूट एंगल चेंज होगा तो रेशियोज भी चेंज हो गए, ठीक है, क्लियर है। हाइपोटेन्यूज फिक्स है, बाकी दोनों चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू एंगल, जो एंगल होगा उसके सामने की बात करें। अब ये क्वेश्चन कर सकते हो आप, ये ट्राई करो, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करो, दो साइड दे रखी हैं, पहले थर्ड साइड निकालो। थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद इसमें कॉट सी लिखा है ना, आप इसमें टेन ए फाइंड करो, साइन चलो फाइंड थर्ड साइड फाइंड कर ली, क्या आ रही है, स्क्वायर रूट कौन करेगा उसका, 13 आएगी, थर्ड साइड विल बी 13, आप फाइंड कर लो सारे, मैं बताती हूँ। साइन बी, बी मतलब 90, हाँ ये भी पता नहीं क्या हो जाता है इनको, हाँ इसका क्या आएगा, 13 स्क्वायर रूट इसका 13 आएगा। ट्रायंगल कहाँ बनाया है ये, चलो लिखो यहाँ 13 के आगे, चलो अब वो फाइन करो कॉट सी। कॉट क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन का। टैन क्या होता है, क्या होता है टैन, देख के नहीं बोलना, लर्न करना है। कर ऐसी ब्रोकल बी बाय पी करो, जिन्होंने कर लिया वो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करो, ये वाला, ये फाइंड करना है। मेरे कहने पे ना सिर्फ आज की क्लास के ये क्वेश्चन जितने भी है ना अपने आप कर लो बस, उसके बाद समझ लेना आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन आगे पीछे मत देखो नहीं तो बाहर फेंक देना सीधा आपको,
पता नहीं पीछे क्या देखते रहते हो, खुद कब कॉन्फिडेंस आएगा आपको? ये क्या फाइंड कर रहे हैं, कॉट ये सॉरी टेन ए लिखो ना, ए के बिना इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जाओ 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 जाओ, एक 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 करके बोलो। 5/12 टेन ए, अदिति बोलो 5/12। ये क्यों सेम आ रहे हैं पता है? क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और एंगल चेंज हो रहा है तो इसलिए सेम आ रहे हैं। जब एंगल चेंज हुआ है तो परपेंडिकुलर बेस बार बार सेम आता जा रहा है। साइन 90, बी 90 है ना, साइन 90 कितना होता है? 1। ये तो मैंने वैसे ही दिया था देखने के लिए कि आप क्या करते हो। ए और सी एक्यूट है, वो आपको रिलेशन बताएंगे साइड्स के साथ, लेकिन जो राइट एंगल वाला है वो डायरेक्ट टेबल में से वैल्यू देगा आपको। ठीक है, ये टेबल में से लिखा है। नेक्स्ट करो, आपके पास वो थर्ड क्वेश्चन में ट्रायंगल गिवन है, दो साइड गिवन है, ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस ये हाइपोटेन्यूज, ये निकाल लो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। फाइंड किया है कि नहीं, फाइंड किया है? पहले सीधे बैठो आप, थर्ड साइड फाइंड करो, थर्ड राइट, ये एंगल एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस ये हाइट, मतलब हाइट मतलब हाइपोटेन्यूज, ये निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है, क्या होता है ये मानी, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ वैल्यू क्या होती है, पी बी एच में से पी ओवर एच, ये हो गया पी ओवर एच। कॉस क्या होता है, बी बाय एच, टेन क्या होता है टी। अब टेन की एक और वैल्यू भी तो होती है इन टर्म्स ऑफ साइन का, कॉस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखो इधर इधर देखो कैसे पता चलता है, tan थीटा होता है p by b, और जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे h से h कैंसिल, तो p by b तो आ रहा है, इसका मतलब tan थीटा sin थीटा by cos थीटा होता है। और cot क्या होता है, cos थीटा upon sin थीटा। अच्छा एक और बात बताओ, sin थीटा जो है वो sin और थीटा का प्रोडक्ट है? नो, एमसीक्यू दे रखा है ना, वो उस एंगल पे डिफाइन कर रहे हैं ना कि इसका प्रोडक्ट है। हम साइन को डिफाइन कर रहे हैं एट एंगल थीटा, प्रोडक्ट नहीं है याद रखना। ठीक है, कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट में जिसमें हमने साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी इज इक्वल टू हाफ, उसमें ए आया था 30, बी आया था 60, और टेन हाफ ए प्लस बी फाइंड करना था। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू पुट कर दी थी, 30 प्लस 60 90, 90 का हाफ 45, 10 45 1। ये उनको ही समझ आया होगा जिन्होंने वो क्वेश्चन कल किया होगा, बाकी तो सोच रहे होंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं। चलो ये फाइंड करो साइन थीटा यहाँ से और उसमें पुट कर दो, और इस पूरे की वैल्यू बताओ, 2/3 आ रहा है ना, सॉल्व करो फिर जल्दी, हो क्यों नहीं रहा, होगा पहले साइन थीटा बताओ कितना आ रहा है। अरे एंगल के सामने वाली साइड 8/10 4/5, आपका क्या आ रहा है? अच्छा ठीक है 4/5,
और कॉस क्या आ रहा है? 3/5, ये हाँ 4/3, बस ठीक है। फिर सॉल्व कर लो एलसीएम लेके। अब कैलकुलेशन तो देखो आपने ही करनी है। हैं? आप जब पूछते हो ना मुझे ठीक नहीं लगता, आपको तो आने चाहिए, इतना इजी है ये सम। हाँ जी पहले ये बोलो कंप्लीट हो गया, तभी आगे करो पहले कंप्लीट सारे। इस ये कौन बताएगा कैसे करेंगे? नहीं जो चाहती हूँ वो नहीं आप बता रहे। हाँ और यहां से किसी एक चीज की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। बच्चे क्या हुआ? आप ऐसे ट्राई नहीं करोगे ना तो मुश्किल हो जाएगी। इधर से किसी एक चीज की थीटा की डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है आपको वो। टैन की वैल्यू आ रही है यहाँ से, या कॉट भी आ सकता है। अगर आप इसको यहाँ लेके जाते हो कॉस बाय साइन तो कॉट दे रहा है। बेटर टू टेक टैन थीटा। कॉस को यहाँ ले जाओ क्या बन जाएगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों जगह कॉस से डिवाइड कर दो, या इस कॉस को यहाँ ले जाओ क्या बन जाएगा? रूट थ्री साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बन गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके, ये क्या है? टेन थीटा कितना आ गया? 1/√3। और थीटा टेन रूट 1/√3 कब होता है? 30 पे। थीटा आ गया 30 डिग्री। यहां पुट कर दो। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप अब देखो ये क्वेश्चन एक और मेथड से भी होता है, ट्रायंगल से, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम वेस्ट होगा। कैसे? फिर साइन में आ जाएगा। पहले कॉस को खत्म करके साइन मिलाओगे, फिर साइन का क्या करोगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इसका मतलब थीटा निकालो, या ट्रायंगल बना के ये वैल्यू पुट करके थर्ड साइड निकाल लो, और उसके बाद फिर यहाँ पे कॉस थीटा के ट्रायंगल से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो। ये मेथड है। फिर वो बड़ा है ना बच्चे, ऐसे वर्बली सॉल्व हो रहा है। आपको ये समझ आया ये कैसे आया है? ईमानी समझ आया है? बताना जरा क्या समझ आया? ये मैंने क्यों किया? ये जल्दी बोलो, ये क्यों किया मैंने ऐसे? अगर आप ऐसे लेते हो ना, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। tan क्या होता है? P/B। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आप यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3, और tan थीटा 1/√3 कब होता है? 30 पे। तो थीटा आ गया 30, यहाँ पुट कर दो। ठीक है, साइन 30 कितना होता है बोलो हर्षदीप? साइन 30 खड़े हो, थप्पड़ लगाओ पहले अपने मुंह पे। जिनको टेबल की वैल्यूज नहीं आती, ये पेपर देने हैं इन्होंने अभी। साइन 30 बोलो केशव। 1/2 साइन 45, साइन 60 आपसे पूछा, जब बारी आई तब बोले नहीं आप। हाँ बोलो माधव, लर्न है टेबल, फिर कब कर पेपर के बाद बोलो। और यहाँ साइन 0 बताती, साइन 0 सारे लाइन बोलो पूरी, अगली बोल अली बोलो क्या आएगी, क्या होता है साइन 30? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। 1/2 आप दूसरे मेथड से बोल रहे, 1/2 साइन 45 ये 60 होता है जो आप बोल रहे हैं। 1/√2 होता है साइन 60, रूट 3/2 साइन 91। ये लर्न तो आपने ही करनी है, मैंने थोड़ी आना है पेपर में साथ इसका। इसका आंसर 2/3, इस क्वेश्चन का आंसर 2/3, इसका आंसर 3/2।
इन्होंने यहाँ पे दे रखा है रूट थ्री साइन थीटा, इन्होंने साइन में निकाला होगा, लेकिन मैंने 30 पुट करके बता दिया आपको, रूट थ्री बाय टू आएगा आपका आंसर। इसका आंसर रूट थ्री बाय टू आएगा। सिट डाउन बेटा। इतनी कटिंग क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट पेज पे करो। क्या वो नहीं आया? क्या हुआ, बड़ा आ रहा है क्या? छोड़ दो फिर, हो सकता है क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो। अगर नहीं हो रहा सॉल्व तो हो सकता है क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो। एक मिनट, किससे? ये कैसी बात कर रहे हैं? एलसीएम लिए बिना कभी कटिंग नहीं होती। एलसीएम लेने के बाद हो सकती है, पहले नहीं हो सकती। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना, वहां पे ना ऑप्शन साइन में दे रखी है। साइन का मतलब है कि उन्होंने कॉस थीटा डायरेक्ट पुट किया है, तो अब लेकिन स्टेटमेंट की पता नहीं, हो सकता है क्योंकि अगर इससे आंसर आ रहा है तो उससे भी आना चाहिए। करके देख लेते हैं, बाकी हो सकता है क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो। वैसे तो ना ये दोनों सेम आने चाहिए थे बिल्कुल, ताकि कटिंग हो जाए जो होनी रही। चलो छोड़ दो आप इतना ही। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और साइन कॉस में आंसर हो या साइन में हो, तो कॉस की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देना रूट थ्री साइन थीटा, इसकी वैल्यू रूट थ्री साइन थीटा, इधर भी सारी जगह। ठीक है, चलो वो करो क्वेश्चन। ये करोगे कैसे? करेंगे आप ये बता सकते हैं कैसा क्वेश्चन है? आप पहले वाली क्लासेस में भी करके आए हो। ए प्लस बी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। करो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ।
स्क्वेयरिंग बोर्ड सेट करो इसमें, ये दिया हुआ ना ये तो निकालना है, इसमें स्क्वेयरिंग बोर्ड सेट लिखो, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ए प्लस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी होल स्क्वेयर है। टू ए बी जब लिखोगे ना कॉट की जगह वन बाय टेन लिख दो, क्या कटिंग हो जाएगी, दिया नहीं हुआ कुछ भी, बस ऐसे ही दे रखा है इन द गिवन फिगर ए बी इज 14, ये दिया हुआ है टेन बी फाइंड करना, टू ए बी ऐसे ही देखो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए इंटू बी इज इक्वल टू 25। कॉट क्या होता है, वन बाय टेन होता है, टेन स्क्वेयर सेम कॉट स्क्वेयर सेम, ये कटिंग होगी, टू बच गया ना प्लस टू इधर जाके 23 आ रही, इसकी वैल्यू आ गई 23, ठीक है। नेक्स्ट करो, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ट्राई करो देखो उसके बिना होता है तो कर दो, टेन बी फाइंड करना है, टेन बी का मतलब क्या है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ऊपर वाला ये जिसमें बी एक्यूट एंगल है, ये 90 होगा, इस एंगल के सामने वाली साइड इधर देखो सारे, इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज ये बेस, बाकी रहने देना इसको मैं यूज कर लूं। अब देखो इधर, इसमें आपके पास परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, आपके पास ए बी गिवन है पूरा 14, ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी पूरा कितना है 14, ये कितना आ जाएगा 9, ये बेस कहां से आएगा, ये और ये सेम है ना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल लो, जो ये आएगा वही आ जाएगा, 12 आएगा, ये 12 आ गया, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लो अगर जरूरत है तो, नहीं जरूरत, नहीं जरूरत ना, क्योंकि टैन क्या होता है पी बाय बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो चाहिए ही नहीं, 12 बाय 9 4 बाय 3 कर लो कंप्लीट। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लियर है, समझ आया आपको, ये बताना है साइन ए जो है किसके इक्वल है, साइन इन में से किसके इक्वल है ये बताना, टेन थीटा क्या होता है इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉस, कॉट थीटा, कॉट का टेन के साथ क्या रिलेशन होता है, हाँ जी वन बाय टेन क्या होता है, और वन बाय कॉट, वन बाय साइन क्या होता है, वन बाय साइन तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, बी सॉल्व कर लो, बी आ रहा है इसका, ठीक है ये 12 कहां से आया, इस ट्रायंगल से है, ये दो दे रखे थे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ जी फ्री क्यों बैठे हो, ये सॉल्व करो सारे, और एक नहीं सॉल्व करना सारे ही करने हैं ताकि आपको पता चले, टैन क्या होता है साइन ए बाय कॉस ए, कॉट क्या होता है कॉस बाय साइन, एलसीएम ले लो देखो साइन आता है ऐसे ही, टैन साइन बाय कॉस
sec होता है, वन बाय कॉस, टेन अगेन साइन बाय कॉस, sec होता है वन बाय कॉस, कॉस को सेम लिखेंगे, एक्चुअली साइन और कॉस जो है ना सबसे स्मॉलेस्ट है और फर्दर ब्रेक नहीं होते, इसलिए सबको उसमें रिड्यूस करते हैं, ठीक है। sec को रिड्यूस करेंगे वन बाय कॉस, एलसीएम ले लो, इसकी वैल्यू बोलो करणी, बताओ क्या आएगी इसकी वैल्यू, वर्बली इतना इजी है, cos माइनस वन बाय कॉस, एलसीएम लेके बोला करो, कब आएगा, कब आएगा, कभी नहीं किसी ने ऐसे इंडिविजुअली आपसे एक एक को कहना बोलो, कब आएगा, बोला करो। वन माइनस वन बाय टू, एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे ही लेते हैं, टू माइनस वन बाय टू, ऐसे ही है, cos a माइनस वन बाय cos, जब तक बोलोगे नहीं तब तक नहीं आना, इसके साथ cos स्क्वायर a माइनस वन बाय cos, और ये क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर होता है, माइनस कॉमन भी तो लोगे, वन माइनस cos स्क्वायर a जो होता है वो साइन स्क्वायर होता है, तो वन पहले आना चाहिए ना, इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी माइनस साइन स्क्वायर, सोचा करो, सोचोगे तो आएगा,